नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत हम पूर्वी समस्या को पढ़ रहे हैं। पूर्वी समस्या की तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ होती है, जिनमें हमने दो महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया। एक तो बात की जाए क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध कब होता है? 1856 ईस्वी में होता है, रूस और तुर्की के मध्य। और बात की जाए जो यूरोप की अन्य महाशक्तियों के द्वारा जो तुर्की का साथ दिया जाता है रूस की शक्ति को रोकने के लिए। उसके पश्चात हमने पढ़ा जो बर्लिन व्यवस्था। बर्लिन व्यवस्था से पूर्व हमने देखा रूस और तुर्की के मध्य पुनः युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो किसके द्वारा? रूस के द्वारा तुर्की को पराजित कर दिया जाता है और सैन स्टेफेनी की संधि की जाती है। लेकिन उस सैन स्टेफेनी की संधि का विरोध करते हुए जो यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा इंग्लैंड, फ्रांस है, जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इनके द्वारा जो एक बर्लिन में सम्मेलन बुलाया जाता है और रूस पर दबाव बनाया जाता है, रूस पर दबाव बनाकर उस संधि पर पुनर्विचार करने के लिए उसे क्या किया जाता है? विवश किया जाता है। अब उसे विवश करते हुए जो इनके द्वारा जो दोबारा से उस सैन स्टेफेनी की संधि को भंग करते हुए दोबारा से नई संधि की जाती है, इसे बर्लिन व्यवस्था, इसे ही कहते हैं बर्लिन की संधि, इसे ही कहा जाता है। यानी कि जो सम्मेलन होता है बर्लिन देश में, जो बर्लिन सॉरी शहर में जर्मनी के, वहाँ पर जो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जो बिस्मार्क के द्वारा की जाती है। और उसकी अध्यक्षता में हम देखते हैं कि यूरोप में जो बाल्कन क्षेत्र है उन राज्यों का दोबारा से विभाजन किया जाता है। अब ये विभाजन हो जाता है, बर्लिन व्यवस्था पे सभी देश सहमत हो जाते हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा की गई व्यवस्था कुछ समय के लिए, जो 1878 ईस्वी में इनके द्वारा जो बर्लिन की संधि की जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात ही जो यूरोपीय राज्य जो इससे असंतुष्ट होते हैं मुख्यतः उनके द्वारा शर्तों का उल्लंघन करना स्वीकार कर दिया जाए। बाल्कन क्षेत्र में जैसे हमने कहा बल्गेरिया का निर्माण हुआ था, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, हर्जेगोविना, ये जो छोटे छोटे देश होते हैं इनके द्वारा जो इस संधि को स्वीकार नहीं किया जाता और इस संधि को क्या करना शुरू कर दिया जाता है? इसका विरोध करना शुरू कर दिया जाता है। अब उनके विरोध स्वरूप ये पूर्वी समस्या का समाधान करने के लिए जो बर्लिन का सम्मेलन है जो आयोजित किया जाता है, लेकिन इससे पूर्णतः बर्लिन की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और आगे जाकर हम देखते हैं ऐसी घटनाएँ जो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होती है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जिनके कारण क्या होता है? बाल्कन का युद्ध होता है। पूरी समस्या के तहत तीन महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, क्रीमिया का युद्ध जो पढ़ लिया, दूसरी बर्लिन व्यवस्था जो हमने पढ़ ली, उसके पश्चात जो बाल्कन का युद्ध होता है, यानी जो बाल्कन के क्षेत्र रूस और तुर्की के मध्य के जो क्षेत्र हैं यूरोपीय महाद्वीप में से, जिनको लेकर जो यूरोप जो बात की जाए यूरोप के सभी देशों और मुख्यतः रूस और तुर्की में क्या होता है? विवाद होता है। इस बाल्कन के क्षेत्र किसे कहते हैं? बाल्कन के क्षेत्र में सर्बिया आ गया, रोमानिया आ गया, मोंटीनिग्रो आ गया, हर्जेगोविना आ गया, यूनान आ गया, ये सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बाल्कन क्षेत्र कहलाते हैं। इन पे जो अधिकार किसका था? तुर्की का अधिकार था, यानी कि तुर्की की अधीनता इनके द्वारा शुरू की जो स्वीकार की जाती थी। यहाँ रहने वाली जनता कौन थी? रहने वाली अधिकतर जनता ईसाई थी। अब ईसाई जनता के द्वारा जो किसका विरोध किया जाता है? तुर्की का विरोध, क्योंकि तुर्की के द्वारा जो इन पर जो अत्याचार किए जाते हैं उन अत्याचारों का विरोध करते हैं, उनके द्वारा स्वतंत्र राज्यों की मांग की जाती है और वही पूर्वी समस्या कहलाती है। अब हम बात करने वाले हैं आज बर्लिन व्यवस्था, यानी बर्लिन की संधि होने के पश्चात जो उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ, और वो परिस्थितियाँ किसके लिए जिम्मेदार होती है? बाल्कन के युद्ध के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि बर्लिन संधि के पश्चात जो कौन कौन सी और घटनाएं घटित होती है उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे और उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से जो बाल्कन जो सॉरी बर्लिन की संधि का उल्लंघन जो बाल्कन राज्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब पहली बात की जाए बर्लिन की जो संधि होती है 1878 ईस्वी में, उसमें हमने देखा कि जो तुर्की के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि उसकी जितनी भी ईसाई जनता है, ईसाई जनता के हितों के लिए वह कार्य करेगा, ईसाई जनता है उसका जो उसकी दशा सुधारने के लिए जो वह कार्य करेगा और दशा सुधारने का आश्वासन दिया जाता है। तो मुख्यतः यही समस्या थी, ईसाई जनता के द्वारा जो तुर्की की सत्ता का विरोध किया जा रहा था, उनका कहना था कि इनके द्वारा हमारे ऊपर क्या किए जाते हैं? अत्याचार किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाली जनता तो ईसाई थी और शासन करने वाले लोग कौन थे? मुस्लिम थे। तो ये इस वजह से इनके द्वारा विरोध किया जा रहा था और यूरोपीय देशों के द्वारा भी जो वहाँ की ईसाई जनता का पक्ष लिया जा रहा था। क्रीमिया युद्ध का यही कारण था, रूस और
जो तुर्की के मध्य युद्ध हुआ था, क्योंकि जो रूस के द्वारा जो मांग की गई थी वहाँ के जितने ईसाई धर्मावलंबी हैं और ईसाई जो जनता है उनके संरक्षण की मांग की गई थी, उधर फ्रांस के द्वारा की गई, तो इसी को लेकर जो विवाद हुआ जिस कारण से क्या होता है क्रीमिया का युद्ध होता है। अब वहाँ की ईसाई जनता की दशा सुधारने का आश्वासन दिया गया तुर्की के सुल्तान के द्वारा, लेकिन उस पर किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया और ये जनता पे जो ईसाई जनता पे अत्याचार इसी तरीके से जारी रहते हैं, जिस कारण से आगे जाकर इनके द्वारा विरोध किया जाता है और यही विरोध किसका स्वरूप लेता है, बाल्कन युद्ध का स्वरूप ले लेता है। ठीक है, ये आश्वासन जो दिया गया तुर्की सुल्तान के द्वारा ये पूर्ण नहीं होता है। उसके अलावा जो हमने देखा कि बाल्कन क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है इन देशों के द्वारा, जो बात यूरोपीय महाशक्तियाँ जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जो रूस है, तुर्की है, तो इन आपसी सहमति के द्वारा जो कुछ राज्यों को जो क्या दे दी जाती है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता दे दी जाती है। तो इसी दौरान जो सर्बिया राज्य का निर्माण हो जाता है, रोमानिया राज्य का और मोंटीनिग्रो का निर्माण होता है। अब ये जो इन राज्यों का निर्माण करके इन्हें जो पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी जाती है, तो इस बात से प्रेरणा मिलती है जो अन्य यूरोपीय छोटे छोटे राज्य अब वो भी चाहते हैं कि किस तरीके से हमें भी स्वतंत्रता मिल जाए, तो इससे प्रेरित होकर उनके द्वारा भी क्या किए जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन किए जाते हैं। जिस तरीके से हमने सर्बिया के विद्रोह के बारे में भी बात की, सर्बिया की जनता के द्वारा विद्रोह किया था, अब छोटे छोटे प्रांतों में उनकी जनताओं के द्वारा विद्रोह किया जाने लगा और उनके द्वारा भी अपने स्वतंत्र राज्य की मांग की जाने लगी। अब जो ये राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं इनका जो बात की जाए तुर्की के द्वारा क्या किया जाता है, इन आंदोलनों का बड़े ही क्रूरतापूर्वक ढंग से क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन उठकर खड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था होती है। उसके अलावा जाति आधारित राज्यों की मांग होती है, जिन राज्यों का निर्माण हो चुका है और उसके अलावा जो विभिन्न क्षेत्र हैं जो उन राज्यों का अंग नहीं है और लेकिन वहाँ के लोग जो एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, एक ही तरह के जाति के लोग हैं, तो उन लोगों को अपने राज्य का अंग बनाने की मांग उनके द्वारा की जाती है, तो स्वजातीय आंदोलन यहाँ जो प्रचलन में आ जाते हैं बर्लिन व्यवस्था के बाद, क्योंकि असंतोष तो रहता है, सभी राज्य संतुष्ट नहीं होते और वहाँ की जनता भी संतुष्ट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मुख्यतः हम देखते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इनके स्वार्थों के कारण, जो उन स्वार्थों को आधार मानते हुए इनके द्वारा संधि की शर्तें तय कर ली जाती है और वहाँ की जनता की भावना, जन भावना का किसी तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इसी कारण उस क्षेत्र में पुनः असंतोष पैदा होने लगता है। ठीक है, और उसके अलावा जो तुर्की में जो इन राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहे हैं, बात की जाए बाल्कन क्षेत्र में, इनसे प्रेरणा लेकर तुर्की में भी जो राष्ट्रीय आंदोलन का आविर्भाव हो जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन होता है तुर्की में और तुर्की के पुनरुत्थान का प्रयास किया जाता है। वहाँ की जनता, तुर्की की जनता के द्वारा भी जो क्या कर दिया जाता है, शासक के विरुद्ध आंदोलन कर दिया जाता है और वहाँ की जनता के द्वारा पुनरुत्थान के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण उनका आंदोलन, तुर्की का आंदोलन क्या नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है। उसके अलावा जो परिस्थितियाँ पैदा होती है जिसमें हमने देखा कि जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया इनमें मुख्यतः विवाद हो जाता है और मुख्यतः विवाद का कारण क्या रहते हैं, हर्जेगोविना और बोस्निया, ये क्षेत्र थे तुर्की राज्य के अधीन थे लेकिन इन पे सर्बिया अपना अधिकार मान रहा था, तो उसी दौरान तुर्की के द्वारा इन राज्यों का जो बात की जाए प्रशासन का अधिकार किसी ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता, इससे ऑस्ट्रिया से जो क्या है ये जो बात की जाए सर्बिया नाराज हो जाता है और इनके मध्य विवाद होता है, तनावपूर्ण स्थिति रहती है। तो इसी दौरान हम देखेंगे ऑस्ट्रिया की राजकुमार की जब सर्बिया घूमने जाता है तो उस वक्त क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है और वही प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनता है, कारण बनता है। अब इन दोनों देशों के मध्य जो तनाव की स्थिति पैदा होती है वही आगे जाकर जो प्रथम विश्व युद्ध का क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो जर्मनी है, जर्मनी जो बात की जाए पूरी समस्या में बिल्कुल रुचि नहीं थी, जर्मनी के द्वारा भी जो पूरी समस्या में रुचि लेने लगता है जर्मनी, और उसके अलावा जो जर्मनी के द्वारा तुर्की से मित्रता कर ली जाती है, तुर्की से मित्रता करते हुए जर्मनी भी जो इस क्षेत्र में जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, और पूरी समस्या के तहत जो ये बाल्कन क्षेत्र है इसमें जो जर्मनी के द्वारा जो अपने पूर्व में विस्तार करने का प्रयास किया जाता है,
तो इस तरीके से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है बर्लिन संधि के पश्चात, बर्लिन व्यवस्था के पश्चात, और पूरी समस्याओं में कई उलझन पैदा हो जाती है, कई और समस्याओं में उलझन विवादास्पद हो जाता है, अराजकता फैल जाती है, जिसके कारण अनेक राजनीतिक परिवर्तन दोबारा से होते हैं। यानी जो इन्होंने किया था वो सही नहीं माना जाता है, दोबारा से फेरबदल होता है। इस फेरबदल में हम देखेंगे कि इसमें रोमेलिया और बल्गेरिया का एकीकरण हो जाता है, इनको अलग अलग किया गया, लेकिन जनता के द्वारा जो मांग की जाती है तो इन क्षेत्रों को एक कर दिया जाता है। आर्मेनिया की समस्या आती है, यहाँ विद्रोह हमें देखने को, विरोध देखने को मिलता है, और वृद्ध यूनान के द्वारा जो आंदोलन कर दिया जाता है, इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं बर्लिन व्यवस्था के पश्चात, बर्लिन की संधि के पश्चात जो ये परिस्थितियाँ कहाँ पैदा होती है, बाल्कन क्षेत्र में पैदा होती है। तो विद्यार्थियों, बाल्कन युद्ध से पूर्व हमने बात की, आज बर्लिन व्यवस्था के पश्चात बाल्कन युद्ध के मध्य तक जो जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है बाल्कन के क्षेत्र में, और जो उस बाल्कन युद्ध के लिए जिम्मेदार होती है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, और किसके द्वारा जो हमने देखा कि बर्लिन व्यवस्था के तहत, बर्लिन की संधि के तहत जो इस राज्यों का विभाजन किया जाता है, बाल्कन क्षेत्र का विभाजन किया जाता है, जिससे जो कई राज्य क्या है जो नाराज़ होते हैं, उन जो संतुष्ट नहीं होते हैं, और इसी कारण जो इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता है, और इसी कारण शीघ्र ही जो संधि की शर्तें होती हैं उनका उल्लंघन शुरू हो जाता है। जो संधि की शर्तें बर्लिन संधि के तहत तय की जाती है, तो उन शर्तों का उल्लंघन जो इनके द्वारा शुरू कर दिया जाता है बाल्कन क्षेत्र के राज्यों और लोगों के द्वारा, जिसके तहत हम देखते हैं एक तो जो तुर्की के सुल्तान के द्वारा ही जो शर्त जो संधि के तहत थी कि जो उसके द्वारा अपने ईसाई जनता है, ईसाई जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा, उनकी दशा सुधारने का कार्य किया जाएगा, लेकिन उसके द्वारा किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है, और विभिन्न राज्यों के द्वारा स्वतंत्र राज्य के निर्माण की मांग की जाने लगती है, जाति आधारित राज्यों की मांग होने लगती है। तुर्की में हमें आंदोलन देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो संबंध है जो तनावपूर्ण हो जाते हैं इनके मध्य, और जर्मनी के द्वारा भी इसे पूर्वी समस्या में रुचि ली जाने लगती है। तो इस तरीके की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं परिस्थितियों स्वरूप जो हम देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएँ, जो पूरी रोमेलिया और बल्गेरिया का एकीकरण हो जाएगा, आर्मेनिया की समस्या, और वृद्ध यूनान आंदोलन हमें देखेंगे, ऐसे इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा उत्सुकता हो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। इसके अलावा अध्ययन अध्यापन से संबंधित भी किसी तरह की आपकी राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।